हेलो फ्रेंड्स टुडे आर टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड द इलेक्ट्रोलिस बच्चों इसे प्रीवियस वाले सेक्शन में इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और हम किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसकी किसी भी सेल की किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं है ना और हम किसी भी सेल की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालनी हो या नर्स्ट इक्वेशन से हम किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन नाउ अब क्योंकि अभी तक हमने जितना डिस्कस किया था टॉपिक उसमें हम क्या कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम केमिकल से एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या कर रहे थे प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन अब जो आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे नाउ दिस टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स नाउ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज तो हमें पता है आपने इलेक्ट्रिसिटी देनी है दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है वो अप्लाइड करनी जिससे क्या आएगी आपकी केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट द प्रिंसिपल इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑफ द लैब एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज तो ये जो इलेक्ट्रिक केमिकल प्रोसेस था वो लैब में बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है और केमिकल इंडस्ट्री में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है तो वन ऑफ द सिंपल्स इलेक्ट्रोटिक सेल्स जो हम यूज़ करते हैं दिस इज टू कॉपर स्ट्रिप्स डिपिंग इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट भाई दो कॉपर की स्ट्रिप्स हैं हमने उसको डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के अंदर इफ अ डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टू इलेक्ट्रोड अगर डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा कॉपर टू पॉजिटिव एंड डिस्चार्ज एट द कैथोड अब वो कैथोड से नाउ हेयर कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज हमने इससे पहले जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ा था बच्चे इस बात को हमेशा याद रखना एनोड क्या था नगेटिवली क्या क्या था आपका? That will be negatively charged. और क्या था आपका आपका और जो है वो आपका कैसा रहेगा पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड आपका क्या रहेगा चार्ज्ड सो सी हेयर कि कैथोड क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज नाउ अब हमें पता चला जब भी हम कोई भी बीकर लेते हैं सपोज हम बीकर ले रहे हैं ठीक है ये बीकर है और इस बीकर में क्या है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और मैंने एक डिप कर दी इसके अंदर दो इलेक्ट्रोल और मैंने इसको सप्लाई कर दिया बैटरी दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल दिस इज कैथोड दिस इज एनोड क्लियर तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कैथोड पे कॉपर टू पॉजिटिव आयन है कैथोड जो डिस्चार्ज होने लग जाएंगे एट कैथोड क्लियर कॉपर टू पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज एट द कैथोड और डिपॉजिट होने लग जाएंगे तो इस जनरली प्रिंसिपल क्या है एनोड कॉपर टू पॉजिटिव आयन्स को रिलीज करेगी ये कैथोड पर जाएंगे और वहाँ पर क्या होने लग जाएंगे डिपोजिट होने लग जाएंगे तो हेयर कैथोड पे क्या होते हैं कॉपर टू पॉजिटिव जाएंगे सोल्यूशन से वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है एंड कन्वर्टेड इन टू कॉपर कॉपर मेटल इज डिपोजिट द कैथोड अब कैथोड पे कॉपर जो है वो डिपोजिट होने लग जाएगा लेकिन एनोड पे क्या होगा कॉपर जो है कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो हेयर यू कैन सी दिस एनोड पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन जबकि कैथोड पे क्या हो रही है रिडक्शन कैथोड पे क्या हो रही है रिडक्शन द इज द बेसिस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच इम्प्योर कॉपर ये बेसिक्स है अगर आप लोगों को बच्चों याद हो तो आपने टेंथ में कॉपर की रिफाइनिंग की थी दैट इज द सेम प्रोसेस फॉर द रिफाइनिंग प्रोसेस ठीक है तो इम्प्योर कॉपर को आप एनोड पे रखते थे प्योर कॉपर को कहाँ रखते थे आप कैथोड पे रखते थे एनोड से जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन रिलीज होते थे और वो कहाँ डिपोजिट होने लग जाता था कैथोड पे क्लियर मैनी मेटल सोडियम है मैग्नीशियम इसी प्रोसेस से जो है वो प्योरीफाई करते हैं ठीक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन द कीटाइंस वेयर नो सुटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट आर अवेलेबल कि कहीं पर भी कोई सुटेबल केमिकल रिएजेंट अगर किसी को नहीं मिल पाता ना ठीक है भाई अगर किटायन को सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिल पाता तो हम इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल सेल से रिएक्शन कर देते हैं सोडियम मैग्नीशियम मेथड इसको हम इलेक्ट्रोलिटी इलेक्ट्रोलिस करके क्लोराइड्स एल्यूमिनियम में, में कन्वर्ट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट नाउ नेक्स्ट अब हमने देखना है क्वांटिटी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस कि ये क्या चीज सिखाना चाह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में क्वांटिटी मतलब क्या क्वांटिटी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी पर्टिकुलर रोड पे यानी के पर कितने मेटल को डिपॉजिट कर रहे हो अगर कोई गैस रिलीज़ हो रही है तो हाउ मच गैस इज लिबरेटेड क्लियर कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी देके कितना मेटल डिपॉजिट हो सकता है कितनी गैस लिबरेट हो सकती है या कितना अमाउंट मेटल का डिपॉजिट हुआ है तो आपने कितनी उसको इलेक्ट्रिसिटी दी होगी वी कैन ईजिली कैलकुलेट द बाय कोरलेट विद द अमाउंट ऑफ डिपोजिशन विद द इलेक्ट्रिसिटी तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे फेरेडे माइकल फेरेडे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे हम कर सकते हैं तो हु डिस्क्राइब द हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट फेरेडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स बताए थे बाय दिस टू लोज नाउ फेरेडे लो फर्स्ट लो अब हम देखते हैं कि फेरेडे फर्स्ट लो क्या कहता है ना फर्स्ट लॉ अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन वी अकर एट एन इलेक्ट्रोड भाई कितनी केमिकल रिएक्शन अमाउंट मीन्स कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है अगर कि वो मेटल डिपॉजिट हो रहा है या फिर कितनी गैस लिबरेट हो रही है अगर किसी इलेक्ट्रोड पर लिबरेट हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट वो उतना ही डिपॉजिट होगा जितना आप क्या दोगे करंट उतनी ही गैस लिबरेट होगी जितनी आप क्या दोगे करंट थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट दिस वन इज द फेरडे मीन्स यू कैन से डब्ल्यू इज अगर फोर्स ले को अगर हम शॉर्टकट में एक्सप्लेन करें तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द चार्ज मीन्स करंट चार्ज चार्ज हम बता सकते हैं ना आई इंटू टी नाउ इसको हम शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं के ऊ को हम क्या लिखते हैं आई इंटू टी चार्ज से हम क्या निकाल सकते करंट इंटू टाइम मीन्स डब्ल्यू इज द अमाउंट डायरेक्टली अमाउंट ऑफ दैमिकल डिपोजिट ऑन ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोर्शनल टू द करंट सप्लाई और सेकेंड लोग क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड भाई डिफरेंट 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 सब्सटेंस कितने लिबरेट हो रहे हैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन अगर आप सेम क्वान्टिटी की इलेक्ट्रिसिटी टू थ्री मीडियम में से पास कर रहे हो तो कितने डिपोजिट होंगे वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा किसके उसके इक्वीवेंट वेट की कैसे अटोमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कीटायन वो कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट कि उसका अटोमिक मास कितना है क्योंकि किसी भी जो हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मोल मास जैसे सपोज सोडियम है तो सोडियम का मास हो गया ट्वेंटी थ्री ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कीटायन को सोडियम पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए वन इलेक्ट्रॉन सो ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय वन तो हेयर इट इज़ योर इट इज़ दम इक्वेबलेंट वेट ऑफ पर्टिकुलर एटम तो अगर आप टू थ्री सोल्यूशन में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो क्या कहता है जो अमाउंट लिबरेट होगा या अमाउंट डिपोजिट होगा डिफरेंट डिफरेंट के इलेक्ट्रोड पर वो हमेशा डायरेक्टली प्रपोस्टनल होगा उसी के ही इक्वेबलेंट वेट के नॉ देयर वर नो कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स ऑफ लेबर ड्यूरिंग फेरडे टाइम्स द जर्नल प्रैक्टिस वॉज टू प्रोटेकोमीटर अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स फॉर डिटर्मिंग द क्वांटिटी कोलोमोमीटर क्या होता है बेटा जो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होता है जिससे हम किसी भी चीज की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर डिटर्मिंग द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द अमाउंट ऑफ मेटल ठीक है डिपोजिट और कंज्यूम कि कितना डिपोजिट हुआ है या फिर कितना कंज्यूम हुआ है ठीक है ना हाव एवर कॉलोमीटर्स आर नॉन ऑप्स्यूलेट एंड वी नाउ हैव कॉन्स्टेंट करंट ना क्योंकि अब हम कॉन्स्टेंट करंट सप्लाई कर सकते हैं और हम कैसे बाय द अवेलेबल चार्ज तो वे कैन इजली कैलकुलेट क्यू इज इक्वल टू आई टी तो दस हजार फॉर्मूला चार्ज हम कैसे निकाल सकते करंट हमने कितना करंट कितने टाइम में दिया है तो कॉलम क्यू हो गया कूलम आई हो गया एम्पियर और टी की यूनिट क्या हो गई टाइम सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कितनी इलेक्ट्रिसिटी दोगे वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी एक्सीडेशन में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है या रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन हुई है तो सपोज दिस इज द रिएक्शन सी दिस रिएक्शन सिल्वर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है किसमें बदल गया सिल्वर में तो हेयर सिल्वर पॉजिटिव को डिपोजिट होने के लिए वन इलेक्ट्रॉन चाहिए ठीक है तो हेयर द वन इलेक्ट्रॉन मीन्स वन फेरा डे हेयर द वन इलेक्ट्रॉन मीन्स वन फेरा डे नाउ वी नो दैट की बी रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एक सिल्वर के आयन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक मोल सिल्वर के आयन को एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है वन पॉइंट सिक्स टेंट पर माइनस नाइनटीन सॉरी सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंट पर ट्वेंटी थ्री अब एक मोल पर चार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स टेन जब आप माइनस नाइनटीन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द चार्ज नाइन सिक्स फोर एट सेवन सिंपल कोल्ड नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो दिस इज द वैल्यू ऑफ फेरा टे तो वन फेरेडे हमेशा किसके इक्वल होगा नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो सो हेयर दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू सी दिस मैग्नीशियम आयंस मैग्नीशियम आयन को रिड्यूस so होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए टू दैट मीन्स को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चार सप्लाई करोगे टू फेरेडे का एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है थ्री पॉजिटिव मींस तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मीन्स इसको इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए थ्री फेराडे की तो इनको चाहिए टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम टू फेरेडे बोलते हैं या फिर थ्री मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्या बोलते हैं थ्री फेरेडे नाउ द चार्ज पास थ्रू द सेल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो चार्ज आप सप्लाई कर रहे हो ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि करंट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम वो तो हमें पता है चार्ज इज डायरेक्टली डायरेक्टलीपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड टाइम कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल करंट एज हाईस्ट फिफ्टी थाउजेंड एम बी एयर्स और आप फेरेडे कितना देते पॉइंट फाइव वन एट फेरेडे पर सेकेंड में हम सप्लाई करते हैं नाउ सी दिस न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड विद द फेरेडे लॉ अ सोल्यूशन है, है कॉपर सल्फेट का टेन मिनट्स तक आपने उसको इलेक्ट्रिसलाइज्ड किया है टेन मिनट्स तक आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी है और टेन मिनट्स तक करंट कितने का दिया है वन पॉइंट फाइव का ठीक है दस मिनट तक टेन मिनट्स तक आपने वन पॉइंट फाइव एम का करंट कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को दिया तो हमें क्या निकालना है मास डिपॉजिट तो अभी हमने फॉमूला देखा कि जो भी मास डिपॉजिट होता है वो चार्ज इंटू टाइम के होता है तो पहले हम देखेंगे चार्ज फिर हम देखेंगे टाइम तो हम वो कैसे निकाल करंट इन सॉरी करंट इंटू टाइम तो पहले हम करंट देखते करंट कितना है सी करंट इज़ वन पॉइंट फाइव एम टाइम कितना है टेन मिनट्स लेकिन टेन इंटू सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सेकेंड तो चार्ज कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू सिक्स हंड्रेड ठीक है तो चार्ज कितना हो गया टोटल आपका नाइन हंड्रेड कूलम का तो चार्ज कितना हो गया नाइन हंड्रेड कूलम का क्लियर ना ये तो हो गया नाइन हंड्रेड कूलम का लेकिन अब हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं जब हम कॉपर की बनाएंगे तो कॉपर को डिपोजिट होने के लिए क्या करना पड़ता है दो इलेक्ट्रॉन मीन्स टू फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है क्लियर और कॉपर का जो मास होता है वो कितना होता है सिक्सटी थ्री ग्राम तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा पढ़ सकते हैं कि सिक्सटी थ्री ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए टू फेरेडे का चार्ज देना पड़ता है या फिर टू फेरेडे चार्ज को जब आप सप्लाई करते हो तब कहीं जाके सिक्सटी थ्री ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है तो अब आप देखिए आपके पास कितना चार्ज है यू हैव नाइन हंड्रेड चार्ज तो नाइन हंड्रेड चार्ज को कैसे करेंगे सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई टू एफ मल्टीप्लाई बाय नाइन हंड्रेड फेरेडे इज नाइन सिक्स फाइव डबल ज़ीरोस कि अगर नाइन हंड्रेड कोलम का चार्ज आपके पास नाइन हंड्रेड है ना हमें पता है कि टू फेरेडे का चार्ज सिक्सटी थ्री ग्राम डिपॉजिट करेगा तो वन कूलम का चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल ज़ीरो फेरेडे वैल्यूज़ नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो तो हम कितना कॉपर ना हमें नाइन हमारे पास चार्ज कितना है नाइन हंड्रेड को लंब का तो मल्टीप्लाई बाय नाइन हंड्रेड को हमें पता चल जाएगा कि कितना जो है वो डिपोजिट होगा नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो अब हमें देखना है बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोडक्ट क्या होता है तो बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक जनरली आपको एक बात बताती हूँ जो सपोज मेरे पास टू बीकर्स हैं दोनों में ही मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल रखा है ठीक है इसमें भी क्या है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है मैंने इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड डिप करा है इसके अंदर भी लेकिन इसके अंदर डिप करा है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड और इसके अंदर डिप करा है कॉपर का इलेक्ट्रोड ठीक है ना हेयर फर्स्टली when यू सी दिस टॉपिक when यू लर्न दिस टॉपिक यू फर्स्टली सी दिस कि आपको क्या solution दिया गया है और उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड है कि भाई platinum इज द इनर्ट electrolyte platinum इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड भाई वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा platinum इलेक्ट्रोड में तो प्लेटिनम डाला हुआ है या एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका आपने इलेक्ट्रोटाइट लिया है उसी एलिमेंट का क्या डाला हुआ है इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में जिंक का इलेक्ट्रोड सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का इलेक्ट्रोड तब आपने क्या करना है बच्चे तब हमारे प्रोडक्ट बदल जाते हैं कैसे बदल जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी कैपेबिलिटी ऑक्सीडेशन करने की ज़्यादा हो जाती है तो जब आप सेम इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे तब वो इलेक्ट्रोड क्या करेगा ऑक्सीडेशन शो करेगा तो इस बात को ध्यान में रख के फिर हम इस टॉपिक टौ को आगे चलते हैं नाउ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल बींग इलेक्ट्रोलाइज्ड और द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोल। आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स करना है? किस मटेरियल की इलेक्ट्रोसिस करनी है और कौन सा इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किया है अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है अभी मैंने बोला था ना आपको प्लैटिनम का गोल्ड का अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है इनर्ट प्लेटिनम का गोल्ड का तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में तो वो तो एक सिर्फ सिंक का, का काम करेगा सोर्स और द सिंक फॉर द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने का सोर्स बनेगा बस और अगर आपने इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज रिएक्टिव मीन्स आपने कॉपर का यूज़ करा जिंक का यूज़ करा तो फिर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा दोनों ही केसेस में भाई आपने इनर्ट लिया है या आपने कौन सा लिया है वन uh, रिएक्टिव लिया है दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफर होते हैं तो जो इलेक्ट्रोलिस के दो तो प्रोडक्ट होते हैं वो डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेंस और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑल द फिजिबल सो स्लो कैनेटिकली ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो फिजिबल होते हैं लेकिन कैनेटिकली देखे इतने स्लो होते हैं लोअर वोल्टेज दीज टू नोट सीम्स टू टेक प्लेज ऐसा लगता है कि वो सेम हो ही नहीं, नहीं है तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल कोल्ड ओवर पोटेंशियल हैज टू बी अप्लाइड तो हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल बाहर से एक्स्ट्रा सोर्स अप्लाइड करना पड़ता है विच मेक द प्रोसेस मोर डिफिकल्ट जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी यूज़ मोल्टन एन ठीक है ये तो आप लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है अगर एन को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हमारा एक तो सोडियम मेटल अलग हो जाएगा क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी क्लियर सपोज मैंने मोल्टन एन लिया है मोल्टन मीन्स नॉट वाटर आपने मोटर नहीं पिघला मोल्टन का मतलब पिघला हुआ और पिघला हुआ क्या है एन ए सी एल है वाटर एड नहीं कर रखा तो जैसे आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो एक बनेगा एन ए पॉजिटिव एक बनेगा सी एल नेगेटिव नाउ दिस इज द किटाइन गोज टू कैथोड अनायन गोज टू एनोड ठीक है तो वहाँ पे कैथोड ये किस में अलग में बदल जाएगा सोडियम मैटर में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और ये निकलेगी एस yes, सी एल yes, टू गैस तो हेयर ओनली वन की टाइम दैट इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन तो वो वहाँ पे कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाएगा ऐसे ही एक अनायन होता है विच इज ऑक्सीडाइज टू एनोड लेकिन क्योंकि अब वहाँ पे वो एक क्योंकि वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो किस में बदल जाएगा सी एल टू में तो ड्यूरिंग द इलेक् लेकिन अ प्रॉब्लम इज दिस ये तो था आपने मोल्टन लिया एन ए अलग सी एल टू अलग लेकिन जब आप एक्वस सोल्यूशन लोगे ना क्या एक्वस एन ए सी एल तब प्रॉब्लम है क्योंकि एक्वस एन ए सी एल को डैट मीन्स यू यूज़ द वॉटर वॉटर भी ब्रेक करेगा कैसे एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव एन ए सी एल भी ब्रेक करेगा एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव क्लियर एंड द प्रोडक्ट ऑफ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं एन एच जो आपने टेंथ में क्लोरल क्ली प्रोसेस किया था एन एच सी एल टू एंड एच टू बिसाइड्स एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव वी ऑल्सो हैव एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव और वो कहाँ से आए हैं सॉल्वेंट से आए हैं कौन से सॉल्वेंट से वोटर से आए हैं तो जब हम ये देखते हैं एक तो हमारा बनता है एन ए पॉजिटिव अगर मैं अन ए सी एल को ब्रेक करती तो ये दो आयन्स मिलते हैं और अगर आपने वोटर को ब्रेक करा तो ये दो आयन्स बनते हैं तो दो तो की आयन है जो कि थोड़ की तरफ भागने की कोशिश करेंगे दो अनायन हैं है जो किसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे एनोड की तरफ सोविन में लड़ाई है कौन पहले जाएगा तो ये कहते हैं जिसका साइज कम होगा जिसका साइज कम होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वही तेज भागेगा तो एन ए पॉजिटिव और एच पॉजिटिव में अगर हम देखें तो अब देखो एन ए पॉजिटिव और एच पॉजिटिव में सीधे कंपटीशन रहेगा इन दोनों के बीच में एन ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस टू पॉइंट सेवन वन और जबकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है जीरो तो हाइयर जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा प्रेफर एंड देयर फॉर द रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग डूरिंग इलेक्ट्रोलिस ठीक है जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वही मूव करेगा तो अब हमने जब इन दोनों रिएक्शंस में देखा एनोड सोडियम का कितना है माइनस टू पॉइंट सेवन वन और हाइड्रोजन का कितना है पॉइंट जीरो, तो जीरो जीरो तो इसमें ज़्यादा किसका हाइड्रोजन दैट इज़ पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो है लेकिन माइनस से तो ज़्यादा है तो अब ये मूव करेगा और अब ये जाएगा कैथोड पे सो तो ठीक है एच पॉजिटिव कहाँ मूव कर गया कैथोड पे वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा किस में बदल जाएगा एच टू में क्लियर तो वहाँ से किस में बदलेगा एच टू में बट एच पॉजिटिव इज प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ वाटर तो अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है एच पॉजिटिव डिसोसिएशन से बनेगा तो अब यहाँ पे वोटर तो अभी आपने देखा ना ब्रेक करेगा एज एच पॉजिटिव एन ओ एच नेगेटिव तो वोटर ब्रेक होने से और वोटर तो ब्रेक हुआ है लेकिन उसने क्या गेन करा है एक इलेक्ट्रॉन एट कन्वर्टेड इनटू हाफ एच टू प्लस में ओ एच नेगेटिव सेम हेयर कि अब क्या होगा कि अब आपके पास एक तो क्लोराइड क्योंकि एच पॉजिटिव तो चला गया वहाँ पर एन ए पॉजिटिव रह गया सोल्यूशन में अब रह गई रिएक्शन एट एनोड एनोड पे कौन जाएगा भाई सी एन नेगेटिव जाएगा नेगेटिव सेम सेम केस जिसका साइज छोटा होगा वही मूव करेगा या फिर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो मूव करेगा तो जब हमने देखा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लोरीन का तो आता है वन पॉइंट थ्री सिक्स और वोटर का है वन पॉइंट टू थ्री तो किसका ज्यादा है क्लोरीन का तो अब क्लोरीन कहाँ मूव करेगी टू वर्ड क्लोराइड आयंस कहाँ मूव करेंगे टू वर्ड्स द एनोड ठीक है और वहां पे वो क्या होंगे जो क्लोराइड आइंस है ऑक्सीडाइज होंगे और किस में बदल जाएंगे सी एल टू में बदल जाएंगे और वाटर ब्रेक करेगा एज ओ टू एच पॉजिटिव एंड फोर इलेक्ट्रॉन वाटर ब्रेक लाइक दिस तो अब हमें पता चल गया एनोड एन पे क्या रिएक्शन हुई है कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई है तो पहले एन ए सी एल ब्रेक करा एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव कैथोड पे क्या आ, अब आ, जो कैथोड पर रिएक्शन क्या होएगी कि वाटर ब्रेक करेगा एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव एनोड पे क्या होगा सी एल नेगेटिव प्लस सी एल टू और नीचे नेट रिएक्शन आपकी क्या रह जाएगी एन ए सी एल प्लस वाटर गिव राइज एन ए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव प्लस में प्लस हाफ एच टू और प्लस सी एल टू ठीक है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एक, पोटेंशियल आर रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन तो अकाउंट फॉर द कंसंट्रेशन इफेक्ट तो अब हमें देखा कि वाटर ब्रेक लाइक दिस ऑक्सीजन फोर एच पॉजिटिव फोर इलेक्ट्रॉन्स तो हेयर दिस इज द इलेक्ट्रोटिक सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप इलेक्ट्रोसिस करते हो सल्फ्यूरिक एसिड की तो अगेन एक वाटर है एक क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड कहेगा एच पॉजिटिव सल्फेट आइंस बनाऊंगा वाटर कहेगा एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव करूँगा तो ये तो सेम है तो किटाइन आइन गोज टू क्या थोड़े अब इन दोनों में जिसका साइज छोटा होगा या जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही मूव करेगा तो हेयर ओ एच नेगेटिव मूव टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन क्लियर तो डल्यूट सल्फेरिक एसिड में रिएक्शन टू जो होगी आपकी लाइक दिस वोटर ठीक है जैसे वोटर ब्रेक करेगा ओ टू प्लस फोर एच पॉजिटिव प्लस फोर इलेक्ट्रॉन एंड सल्फेट दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू एस टू ओ एट टू नेगेटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूज़ हो जाएंगे ठीक है तो फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन टू पॉइंट थ्री बट एट हायर कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड अगर पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा है डल्यूशन है तो आप ये वाली रिएक्शन प्रेफर करेगी वॉटर ब्रेक करेगा और अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो आप कौन प्रेफर करेगी डेट कन्वर्टेड इन एस टू ओ एट टू नेगेटिव आयंस ना नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बैटरीज तो अब हम देखते हैं बच्चे हम अपने घरों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज यूज़ करते हैं हमारे फ़ोन की बैटरी होती है घरों में इन्वर्टर की जो बैटरीज होती है ना तो बहुत बैटरीज यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये बैटरीज भी इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रिक सेल्स की तरह बिहेव करती है तो ये बैटरीज दोनों सेल्स की तरह बिहेव करेगी एक तब जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दो दोगे तो वो चार्ज हो रही होती है जिस टाइम पर तब वो बिहेव करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लेकिन एक तब जब आप उससे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो है ना तब वो किसकी तरह बिहेव करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तरह बिहेव करती है ना एनी बैटरी एक्चुअली इट मे हैव वन और मोर देन वन सेल्स कनेक्टेड इन द सीरीज कोई भी बैटरी लो उसमें एक से ज़्यादा सेल्स सीरीज कनेक्टेड होते हैं इवन तो अब आपने देखा हो हमारे घरों में जो सिंपल रिमोट हम हमेलिडीज के यूज़ करते हैं उसमें भी दो सेल्स की कॉम्बिनेशन होती है विच इज ऑल्सो द सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है और द सेल दैट वी यूज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज बेसिकली गलवेनिक सेल्स जो हम यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के लिए वही गलवेनिक सेल्स तो है जिसमें केमिकल एनर्जी रोडॉक्स रिएक्शन में किस में बदल देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम घरों में सेल यूज़ करते हैं एल में और रिमोट्स में है ना ये जो सेल्स होते हैं वो भी क्या है एक तरह का गलवेनिक सेल ही तो है ठीक है जिसमें आप केमिकल से क्या प्रोड्यूस कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं हाउ एवर फॉर अ बैटरी टू बी प्रैक्टिकली यूज़ इट शुड बी रीजनेबल लाइट्स ले वो और बात है कि अगर हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी लाइट वेट की होनी चाहिए कॉम्पैक्ट होनी चाहिए इट्स वोल्टेज शुड नॉट बी वेरी उसकी वोल्टेज बार बार बदलनी भी नहीं चाहिए तो दो टाइप की हम जनरली बैटरीज यूज़ करते हैं प्राइमरी बैटरीज एंड द सेकेंडरी बैटरीज अब दोनों में डिफ्रेंस क्या है बच्चे एक बैटरी जिसको हमने यूज़ करा और फिर वो थोड़े टाइम के बाद डेड हो गई ख़राब हो गई और एक ऐसी जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं तो वो कौन सी बैटरीज कहलाती हैं सेकेंडरी तो फर्स्ट विल स्टार्टिंग विद द प्राइमरी बैटरीज इसमें क्या होता है रिएक्शंस आकर ओनली वंस एक बार रिएक्शन होगी अगर आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ करोगे और रिएक्शन सिर्फ़ एक ही बार होगी एंड आफ्टर यूज़ ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकम डेड अब अपने घरों में जो एल में ये जो रिमोट में सेल्स यूज़ होते हैं ना हम उनको एक ही बार यूज़ करते हैं चाहे वो आप कितने चाहे दो महीने चले चाहे तीन महीने चले जितने महीने चलेंगे चलेंगे उसके बाद हम फेंक देते हैं तो वो एक ही बार रिएक्शन हुई है ठीक है उसके बाद वो डेड हो जाएगा एंड कैन नॉट बी री अगेन ठीक है जिसको हम फेमिलयर यूज़ करते हैं ड्राई सेल्स जो हम घरों में सेल यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है ड्राई सेल या लेकलचे सेल्स आफ्टर इट्स डिस्कवरर तो डिस्कवरी ये जो लेकलचे है तो डिस्कवर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी की थी तो इसलिए हम ड्राई सेल्स का दूसरा नाम क्या लिख देते हैं लेकलचे सेल्स विच इज़ हम ट्रांजिस्टर्स में क्लॉक्स में आ, इन यहाँ यूज़ करते हैं तो ये दिस इज़ योर ड्राई सेल्स तो आपने ये दिस इज़ योर ड्राई सेल जो हम सेल यूज़ करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया बच्चे जो हम सेल यूज़ करते हैं उसका जो बाहर का कंटेनर होता है ना वो जिंक का बना होता है है ना और ऊपर से देखो एक छोटी एक तरफ छोटी सी मेटल सी कैप होती है छोटी सी बिल्कुल वो पॉजिटिव टर्मिनल्स ठीक है वो किसकी तरह बिहेव करता है जो कैथोड की तरह बिहेव करता है और अपोजिट एंड किसकी तरह बिहेव करता है एनोड की तरह बिहेव करता है तो हम देखते हैं जो सेल होता है वो एक जिंक का कंटेनर होता है दिस आउटर दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड जिंक कंटेनर दिस पार्ट इज कॉल्ड जिंक कंटेनर जो कि किसका काम करेगा एनोड की तरह काम करेगा ठीक है और अंदर एक रोड होती है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं जो किसकी तरह काम करता है कैथोड का काम करता है जो किसका बना होता है ग्रेफाइट का जो किसका बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है और ये जो रोड है इसके चारों तरफ ये चीज देख रहे हो ये इसके चारों तरफ ये मिक्सचर होता है और वो मिक्सचर किसका होता है मैंगनीज ऑक्साइड कार्बन ब्लैक अमोनियम क्लोराइड तो पेस्ट सराउंडेड बाय पाउडर मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड द कार्बन ब्लैक द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय द मोइस्ट पेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड दोनों ये इलेक्ट्रोड के बीच में ठीक है द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या फिल कर देते हो मोइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनीयम क्लोराइड एंड द जिंक क्लोराइड क्लियर तो अगेन मेरे में वन मोर टाइम हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं बच्चे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि जो बाहर का कंटेनर होता है वो किसका बना होता है जिंक का जो बाहर का कंटेनर है ये किसका बना हुआ है सी पार्ट दिस दिस इज जिंक। बाहर का कंटेनर किसका बना हुआ है जिंक जो कि किसका काम करेगा एनोड का ठीक है नाउ कैथोड इज ये कैथोड है दिस वन इज द कैथोड कैथोड ग्रेफाइट का बना हुआ एक रोड का काम करता है और उसको हम सराउंड करते किससे एक पेस्ट से और वो पेस्ट किसका होता है मैंगनीज डाईऑक्साइड का और किसका कार्बन का अब इलेक्ट्रोड्स के बीच में मन कैथोड एयर एनोड ये कैथोड ये एनोड और ये कैथोड इन दोनों के बीच में एक पेस्ट और होता है और वो पेस्ट किसका होता है मोइस्ट अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है तो दिस इज द सिस्टमेटिक दिस पार्ट ऑफ द ड्राई सेल किमिकल विच इज़ यूज इन द ड्राई सेल नाउ द रिएक्शन डेट अकर एट दिनोड आपको पता है अनोड पर तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो बिहेव तो वहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन कैथोड पर गेनिंग होती है तो कैसा बिहेव करता है वो रिडक्शन का तो एनोड पर ऑक्सीडेशन एनोड किसका है जिंक का तो जिंक बन जाएगा जिंक टू पॉजिटिव में और दो तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा कैथोड़ पे क्या है आपका मैग्नीस ऑक्साइड अभी मैंने बताया मैग्नीस ऑक्साइड और क्या है अमोनियम आइंस ठीक है और क्या क्योंकि कैथोड़ पे रिडक्शन होती है तो क्या लेगा वो इलेक्ट्रॉन ठीक है तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखना कि ये तो जिंक का है ये वाला पार्ट जिंक का है और जिंक में क्या होती है ऑक्सीडेशन तो एनोड पे तो जिंक जाएगा जिंक टू पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा अब ये क्या है कैथोड कैथोड पे क्या क्या चीज़ें हैं एक तो मैंगनीज़ है ठीक है मैंगनीज के ऊपर क्या चार्ज है प्लस फोर है एम मैनो टू एक आपने अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लिया हुआ है एन एच फोर पॉजिटिव और एक ये इलेक्ट्रॉन जो है नोड से ट्रैवल करेंगे कहाँ जाएंगे कैथोड की तरफ अब ये जो एम फोर पॉजिटिव किस में बदल जाएगा ये अब जो प्रोडक्ट बनेगा एम एन ओ टू ओ एच मीन्स मैगनीज के ऊपर क्या चार्ज आ जा जाएगा प्लस थ्री का तो प्लस फोर से किस में चला जाएगा प्लस थ्री में चला जाएगा तो अगर आपने नोटिस किया बच्चे इसके थोड़े पे जो रिएक्शन हो रही है इसमें लगातार क्या बनती जा रही है अमोनिया एन एच थ्री विच इज़ अ गैस क्या रिलीज हो रही है अमोनिया गैस तो अगर हम उस सेल को बार 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 यूज़ कर रहे हैं वो लंबे टाइम तक सेल चल रहा है और उस लंबे टाइम में रिएक्शन ऑल द टाइम चल रही है तो आपको नहीं लगता जिस सेल के अंदर कंटेनर के अंदर जो कि बंद है और उस कंटेनर में गैस बनती जा रही है तो आपको नहीं लगता वो तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए प्रेशर बढ़ने से ब्रस्ट कर जाना चाहिए है ना तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इसके अंदर क्या डाला हुआ है जिंक क्लोराइड पेस्ट आपने देखा हेयर इज ऑल्सो द यूज द जिंक क्लोराइड पेस्ट दिस इज़ द जिंक क्लोराइड पेस्ट अब वो क्यों डाला हुआ है कि जो अमोनिया प्रोड्यूस होएगी वो इस जिंक टू पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा और वो कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है जिंक अमोनिया थ्री फोर टू पॉजिटिव आयंस टेट्रा जिंक टेट्रा अमोनियम ठीक है अब ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए ये प्रेशर को बढ़ने नहीं देता ठीक है तो सेल पोटेंशियल इसका कितना होता है वन पॉइंट फाइव वोल्ट का तो दिस इज़ द सेल विच इज़ यूज एज अ ड्राई सेल विच इज़ यूज इन आर रिमोट और इन आर क्लोक्स ठीक है ना नेक्स्ट इज मर्करी सेल ना दिज आर ऑल्सो कॉल द बटन सेल्स जो हमारी व्रिस्ट वॉचेज में यूज़ होता है सिल्वर कलर का छोटे छोटे जो छोटे छोटे से जो बटन सेल्स होते हैं वो अब ये भी बड़ा सूटेबल है और इसकी कॉन्सटेंट वैल्यू रहती है जो ड्राई सेल्स है उसकी तो चेंज होती रहती है लेकिन जो मर्करी सेल है वो कॉन्सटेंट रहती है अब हम देखते हैं वो क्यों कॉन्सटेंट रहती है ना सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइस जिनको बहुत कम करंट की नीड होती है ना जैसे हमारे वॉच हैरिंगेट्स उसमें हम यूज़ करते हैं और मर्करी सेल्स का दूसरा नाम क्या है जिंक मर्करी अमलगम ठीक है जिंक अमलगम किसका बिहेव करेगा ए नो अगेन एनोड की तरह ठीक है और सिल्व और मर्क्यूरस ऑक्साइड और कार्बन ठीक है क्या चीज़ कह रहा है वो जिंक अमलगम अमलगम मलगम क्यों बोला हुआ क्योंकि जिंक के ऊपर मरकरी की कोटिंग है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा एनोड क्योंकि जिंक है मेटल एनोड की तरह बिहेव करेगा और अब यहाँ पे जो कैथोड आपने लिया है जैसे मैंगनीज ऑक्साइड लिया था यहाँ पे मर्क्यूरियस ऑक्साइड और साथ में आप एम के साथ क्या ले लेंगे जो कार्बन क्या लेंगे कार्बन अब इनकी रिएक्शन होगी ठीक है एज द कैथोड और जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था आपने ना अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ना रिएक्शन देखते हैं नोट पे क्या होगा नेचुरली बात है जिंक तो जिंक टू पॉजिटिव में जाएगा तो जिंक मलगम अब वो क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाला हुआ है जो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या निकलते हैं ओ एच नेगेटिव आइंस देन जिंक रिएक्ट विद डेट ओ एच नेगेटिव वायंस टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस में वोटर और साथ में क्या रिलीज करेंगे दो इलेक्ट्रॉन अब आ जाओ केथड पे अब कैथोड पे क्या है एच जी ओ केथ पे क्या है आपका एच जी ओ और क्या है वोटर और क्या है टू इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से आ रहे हैं एनोड से देन इट कन्वर्टेड इन टू मर्करी लिक्विड और साथ में क्या रिलीज करेंगे टू ओ एच नेगेटिव आयंस जब आप इसको ओवरऑल लिखेंगे तो सी दिस रिएक्शन दिस टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल विद द टू इलेक्ट्रॉन टू एच नेगेटिव कैंसिल विद द टू ओ एच नेगेटिव वोटर कैंसिल विद द वोटर सो हेयर द इक्वेशन इज जिंक अमलगम प्लस एच जीओ गिवराइज सेडनो प्लस एच जी तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें देर विल बी नो फॉर्मेशन नो ओवरऑल रिएक्शन में आयंस है ही नहीं जिंक कमरगम प्लस आपका इलेक्ट्रोलाइट एच जी ओ कन्वर्टेड इंटू जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी लिक्विड तो यहाँ पे हमें पता चला जो सेल्फ पोटेंशियल है वो कितने की इसकी वन पॉइंट थ्री की और वो अपने लाइफ टाइम में इतनी ही रखता है वन पॉइंट थ्री फाइव की वो चेंज नहीं होती अब वो चेंज क्यों नहीं होती है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ टाइम में इस रिएक्शन में आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती एनी आयन्स डज नॉट involve एनी आयन इन सोल्यूशंस ठीक है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया mercury सेल्स ठीक है और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें जिंक का काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका काम करता है mercury टू ऑक्साइड्स ना ये तो थे वो सेल्स जो हम बार 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 जो यूज़ नहीं कर सकते एक बार यूज करेंगे खत अगर वो यूज़ हो गए हो गए उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं ठीक है अब हम ऐसी बैटरीज पढ़ेंगे जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज नो सेकेंडरी बैटरीज अदर रिचार्जेबल बैटरीज जिसको आप बार बार क्या कर सकते हो रिचार्ज कर सकते हो और जिसकी वजह से हम रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में चला के हम उस रिएक्शन को बार बार यूज करवा सकते हैं अ गुड सेकेंडरी सेल्स कैन अंडर को ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स एक अच्छी जो सेल बैटरी होती है ना सेकेंडरी सेल्स की उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में डिस्चार्ज साइकिल्स होती है और चार्जिंग साइकिल्स होती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इन द लेट स्टोरेज बैटरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेट स्टोरेज बैटरी है जो गुड सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ उसकी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग साइकिल्स होती है ठीक है बड़ी लार्ज नंबर में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकेंडरी सेल्स है आपकी कौन सी है लेट स्टोरेज बैटरी जिसको हम मोटो मोबाइल्स में और हमारी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है जो हमारे इन्वर्टर में जो बैटरीज यूज़ होती है ना वो भी आपकी कौन सी है लेट स्टोरेज बैटरी ठीक है सो so, अब हम देखते हैं इसकी क्या वर्किंग क्या है कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन वर्टर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ लेट इसमें ध्यान से देखना बेटा एनोड क्या काम करेगा और कैथोड एनोड किसका बना हुआ है लेड का ठीक है एनो इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड ठीक है लेड तो पी सिर्फ पी तो रहेगा एनोड एंड लेड ऑक्साइड लेड प्लस लेड ऑक्साइड ग्रिड ऑफ लेड, लेट ही है लेकिन पैकिंग किससे हो रही है लेड ऑक्साइड से तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह बिहेव करेगा? करेगा और थर्टी एट परसेंट का सल्फ्यूरिक एसिड हम उस एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं तो देखिए अब उसमें क्या काम होता है सी दिस समथिंग लाइक दिस आर बैटरी है ना काफ़ी सारे सेल्स हैं जो कनेक्टिड होते हैं नोड़ और, और कैथोड का बिहेव करते हैं तो ओवरऑल अब हम देखते हैं एनोड पे क्या होता है ना और एनोड किसका बना हुआ है सीधिस अगर मैंने आपको ये पता चला है सीधिस एनोड ओनली लेड का बना हुआ है ठीक है तो एनोड पे क्या है लेड इलेक्ट्रोलाइट कौन सी ली हुई है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जैसी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो टूटेगा क्या बनेगा सल्फेट तो लेड प्लस सल्फेट कन्वर्टेड इन टू सल्फेट साथ में क्या रिलीज करेंगे टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ना अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ मूव करेंगे कैथोड की तरफ कैथोड पे क्या है लेड ऑक्साइड और क्या है इलेक्ट्रोलाइट ठीक है और क्या है जो वो एसिड ब्रेक करा हुआ H है एच पॉजिटिव आयंस क्योंकि एसिडिक एक इक्वेश्चन है देन अगेन इट इज कन्वर्टेड इन टू लेट सल्फेट प्लस वॉटर इफ यू सी दिस बोथ द रिएक्शन हेयर द लेट सल्फेट इज फॉर्म विच इज कॉमन इन द एनोड एज वेल एज कैथोड विच इज इन द सॉलिड फॉर्म तो सॉलिड फॉर्म में तो डिपॉजिट भी होगी तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी लेट प्लस लेड ऑक्साइड लेड एनोड पर है लेड ऑक्साइड कैथोड पे है सल्फ्यूरिक एसिड आपने क्या ली हुई है दिस इज इन द इलेक्ट्रोलाइट दैन इट कन्वर्टेड इन टू लेट सल्फेट पी वी एस सो फोर और साथ में क्या बनेगा वोटर तो ये तभी वो रिएक्शन चल रही है ना बेटे नहीं तो कभी कभी आपने नोटिस किया अपने घरों में आपने देखा हो कि जब हमारी बैटरीज काम वर्क नहीं करती तो हम बाहर से वोटर uh, डालते डिस्टिल्ड वाटर डाल देते हैं रेन वाटर डाल देते ना है ना तो बाहर से पानी ला के डालते हैं वो इसलिए क्योंकि आ, जो आपकी रिएक्शन चलती रहे ठीक है तो ओवरऑल रिएक्शन ये है तो ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स ये तब काम है अभी तक आपने इसको ये वाला जो प्रोसेस है जब आपकी आप उसको यूज़ कर रहे हो ठीक है मीन्स एट द डिस्चार्जिंग टाइम अब अब जब हम चार्ज करते हैं उसको ठीक है जब अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये जितनी भी इक्वेशन है तीनों की तीनों जो अनोड पे हो रही है जो कैथोड पे हो रही है जो ओवरऑल होती है वो रिवर्स कर जाती है ठीक है अब रिवर्स कैसे जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है जो कैथोड है वो एनोड बन जाता है तो सीधे से अगर हम देखें सो ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन रिवर्स एंड लेट सल्फेट ऑन द एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका देखा जाए तो कि अगर आप चार्ज करते हो तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है लेट सल्फ़ेट तो आपकी बैक रिएक्शन चलती है अब ये यहाँ आएगा ये आपका जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टर का काम करता है तो दोनों ही केसेस में आपका क्या काम बन जाता है दोबारा से लेट सल्फेट जो होता है वो होने लग जाता है बनने लग जाता है प्रोड्यूस होने लग जाता है और वो किस में बदल जाता है लेड में और लेड ऑक्साइड में अगेन आपको कैथोड का मटीरियल मिल जाता है और एनोर का वो वापस से चार्जिंग उसकी स्टार्टिंग हो जाती है दिस इज योर दूसरेट स्टोरेज बैटरी ना नेक्स्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडर इज द निकिलडमियम बैक्ट्री तो हम देखते हैं अब निखिल कैडमियम बैक्ट्री हमारी कौन सी है इसकी सबसे लंबी टाइम होती है लेट स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू मैनुफैक्चरिंग लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी एक्सपेंसिव है ठीक है तो वी शुडन गो इन टू डिटेल ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रोल रिएक्शन ड्यूरिंग दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द ओवरऑल रिएक्शन हम देखते हैं क्या होती है तो हम देखते हैं रिचार्जेबल निकिल कैडमियम सेल इज़ अ जली रोल अरेंजमेंट एंड सेपरेटेड बाय द लेयर सॉक्ड इन मॉइस्चर सोडियम और द पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड तो सी द सी दिस कैडमियम विच इज़ बिहेव एज एनोड एंड दिस निकिल हाइड्रोक्साइड विच इज कैथोड और एज ऑल्सो एज इलेक्ट्रोलाइट तो देर इज अ कन्वर्टेड ऑफ कैडमियम ऑक्साइड निकिल हाइड्रोक्साइड एंड प्लस वाटर तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द निकेल कैडमियम सेल नाउ नेक्स्ट टाइप सेल इज फ्यूल सेल नेक्स्ट टाइम सेल इज फ्यूल सेल जो हम स्पेस में यूज करते हैं बच्चे रॉकेट में यूज करते हैं तो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द थर्मल प्लांट इज नॉट अ वेरी एफिशियंट मेथड जो थर्मल प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इतना एफिशियंट मेथड है ही नहीं दट इज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन तो सच प्लांट द केमिकल एनर्जी हीट ऑफ कंबस द फॉसल फ्यूल्स जो केमिकल एनर्जी जो हम फ्यूल्स से यूज़ करते हैं बर्न करने से कोल को गैस को ऑयल को इज फर्स्ट यूज फॉर कन्वर्टिंग वोटर इन टू हाई प्रेशर स्टीम तो क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो सकता है इसलिए इन फ्यूल्स को बर्न करने से हम जो स्टीम प्रोड्यूस होती वो फ्यूल को बर्न करके जो हीट प्रोड्यूस होएगी उसको हम किस में यूज़ करते हैं वाटर को बॉयल करने में ठीक है और वोटर जब बॉयल होगा तो स्टीम प्रोड्यूस होएगी और अब स्टीम्स क्या करेगी टर्बाइंस को मूव कराएगी और क्या प्रोड्यूस होएगी इलेक्ट्रिसिटी तो वी नो डैट गलवेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज हाइली एफिशियंट तो इट इज़ नाउ पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच रिएक्टेंट आर फेड कॉन्टीन्यूसली जिसमें अब रिएक्टेंट को यूज़ करे जाएँ करे जाएँ इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट जो होगा रिमूव कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्ट भी बनता रहे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट तो गैल्वेनिक सेल डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कम्बस्टन गैल्वेनिक सेल्स ऐसा डिजाइन किया गया जो कम्बशन ऑफ फ्यूल के एनर्जी को जैसे हाइड्रोजन मिथेन मिथिनॉल को डायरेक्टली कन्वर्ट करे किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हेयर द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड हेयर द ऑल्सो द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू फ्यूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट हेयर वन मोर ए थिंग यू हैव टू रिमेंबर फर्स्टली केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी एंड देन हीट एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी

तो यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इसको कहाँ यूज़ करते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम में स्पेस प्रोग्राम में जो रॉकेट प्रोपलेंट्स यूज़ किए जाते हैं रॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं उसमें यूज होते हैं तो ड्यूरिंग द रिएक्शन वेयर कंडेंस्ड एंड एडिड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एसट्रोनॉट तो, तो इसमें क्या होता है कि एस टू ओ टू को यूज़ करते हो जिससे जो वाटर बनता है एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वूज कर लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू दिस पॉरस कार्बन इलेक्ट्रोड दिस इज द मेडअप ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड बहुत एनोडा था पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड तो हम एच टू ओ टू को फेड आउट करेंगे ठीक है अब इसमें क्या करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सर बबल बबलिंग की जाती है इलेक्ट्रोड्स पर इंटू कॉन्सेंट्रेटेड अब ये कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा और वो एक्वस होगा और वो किसका होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो कैटलिस्ट आप फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या पेलीडियम मेटल को यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के साथ जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन की तो कैथोड पे क्योंकि आपने ऑक्सीजन ली है प्लस क्या है वोटर साथ में क्या गेन करें क्योंकि कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन तो कन्वर्टेड इनटू 4 फोर ओ एच नेगेटिव आयन्स एनोड पे क्या होता है एच टू अब एनोड पे फोर ओ एच नेगेटिव आयन्स जो बनते हैं वो किस में बदल जाएंगे फोर वोटर मोलिक्यूल में क्लियर कि क्योंकि हमने दिस डायग्राम में हम कैथोड की साइड से ऑक्सीजन कर रहे हैं और एनोड की साइड से हाइड्रोजन पास कर रहे हैं तो एनोर से जैसे ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्योंकि मॉइस्चर है तो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ओ एच नेगेटिव आयंस क्योंकि वहाँ पे क्या होनी है रिडक्शन अब ये जो कैथोड जो ओ एच नेगेटिव आयंस बने हैं ठीक है अब ये ओ एच नेगेटिव आयंस क्योंकि खुद के ओ एच आइन्स इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ कर रहा है तो इधर से हाइड्रोजन आएगी और वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करेगी ओ एच नेगेटिव आयंस के साथ और क्या बना देगी वाटर और साथ में फोर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो दिस कैंसल ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन फोर ओ एच नेगेटिव फोर ओ एच नेगेटिव एंड दिस इज फोर माइनस टू टू वाटर मॉली तो ओवरऑल रिएक्शन द सेल रन्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड जब तक रिएक्टेंट सप्लाई होता रहेगा सेल काम करेगा और सेवेंटी परसेंट इसकी क्या हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है विद एन एफिशिएंसी ऑफ सेवेंटी परसेंट कम्पेयर टू द थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज अबाउट फोर्टी परसेंट देयर हैज़ बीन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रोड मटीरियल्स बेटर कैटेसिस्ट इलेक्ट्रोलाइट ताकि फ्यूल सेल की एफिशियंसी को और इनहेंस किया जाए ठीक है नाउ द फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री और फ्यूचर इंपॉर्टेंस भी है इसकी वरायटी ऑफ फ्यूल्स फैब्रिकेटेड एंड ट्राइड नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज योर क्रोइजन नाउ क्रोयजन जनरली हम कहते हैं जंग लगना लोहे को जंग लगना तो उसको हम क्रोइजन कहते हैं ठीक है और क्रोयजन में वो एग्जाम्पल किसका है रस्टिंग का तो क्रोइजन स्लोली कोट द सर्फेस ऑफ द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स क्रोइजन क्या होता है जो मेटल की ऑब्जेक्ट्स है ना उसके ऊपर कोटिंग से ही बनने लग जाए और वो कोटिंग ऑक्साइड्स की हो सकती है या किसी दूसरे सोल्ड्स की भी हो सकती है मेटल के साथ ठीक है जिसमें एक एग्जाम्पल हम लेंगे आर्क रॉस्टिंग ऑफ आयरन का सिल्वर की ब्लैकिंग हो जाती है ग्री, उपर, ग्रीन कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ब्रॉन्स के ऊपर आ जाती है ये क्या है आपके क्रोयजन है तो ये डैमेज करता है बिल्डिंग को ब्रिजेस को शप्स को ये सब डैमेज हो जाता है तो क्रोयजन में हमने देखना है कि एक्चुअली क्रोइजन खुद एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एनोड और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कैथोड तो जहाँ जंग लगता है ना जिस सरफेस आयरन की सरफेस के ऊपर वो एनोड की तरह बिहेव करता है और वो कैसे कैथोड की तरह बिहेव करवाएगा वो भी चीज़ देखेंगे अभी इस टॉपिक में तो इन कोरोजन मेटल इज ऑक्सीडाइज मेटल ऑक्सीडाइज़ करेगा और वो क्या करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन ठीक है मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की ऑक्सीडेशन होगी और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के पास और क्या बन जाएंगे ऑक्साइड्स तो आयरन की हम रस्टिंग देखते हैं कैसे होती है तो जनरली हम रस्टिंग जो आयरन की देखते हैं वाटर और एयर की प्रेजेंस में तो होनी ही होनी है तो क्रोइजन जो केमिस्ट्री का क्रोइजन है बट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इज कंसिडर्ड असेंशियल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना तो पर्टिकुलर स्पॉट्स पर हम देखें जो जो एक पर्टिकुलर स्पॉट्स अगर आप देखिए नोटिस करें ध्यान से जब हम आयरन की कोई भी चीज़ लाते हैं जहाँ पर भी फ्लैट सरफेस होती है क्रोइजन वहाँ नहीं होता जहाँ पर भी कोई सरफेस मुड़ जाती है या रफ हो जाती है ऊपर खाबड़ सी सरफेस हो जाती है वहाँ पे क्रोइजन का प्रिकर्सर होता है स्टार्टिंग वहाँ से होती है ठीक है तो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है जहाँ पर वही स्पॉट किसकी तरह बिहेव करेगा एनोड की तरह तो अब वो जो सरफेस था वो किसका बना हुआ है आयरन का आयरन क्या करेगी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी किसमें बदलेगी टू पॉजिटिव में तो आयरन कन्वर्टेड इनटू आयरन टू पॉजिटिव और क्या रिलीज करेगी इलेक्ट्रॉन अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं स्पॉट से उस छोटे से एरिया से जो एनोड की तरफ बिहेव कर रहा है अब वो एक जगह से दूसरे स्पॉट में जाएगी मेटल के और वहाँ पर ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगी इन प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन जो उसको कहाँ से मिलेगी कार्बोनिक एसिड से अब आप सोचोगे कार्बोनिक एसिड कहाँ से आया दैट इज द बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड सी ओ टू इन दटमेसफीयर ठीक है तो हाइड्रोजन आयन इन वाटर में ऑल्सो भी अवेलेबल ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड तो देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है एनोड पे क्या है आयरन कन्वर्ट होगा आयरन टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कहाँ जाएंगे कैथोड अब कैथोड पे क्या हो रही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और क्या लेंगे एच पॉजिटिव ये एच पॉजिटिव कहाँ आया कहाँ से आया जो जहाँ पर भी ये रिएक्शन हो रही है वहाँ के एटमोसफेयर में जो सी ओ टू है वाटर है वो कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे कार्बोनिक एसिड उस कार्बोनिक एसिड का ये क्या ले रहे हैं एच पॉजिटिव आइंस दैन इट कन्वर्टेड इन टू वॉटर रिएक्शन गोज ऑन फास्टली क्योंकि कैथोड खुद वाटर बना के दे रहा है तो so, जब हम ओवरऑल रिएक्शन देखें आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस एच पॉजिटिव आयंस टू गिव Iron 2 positive plus water. So ferrous ions are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ions. Hai, ferrous change? me, ferric ions by the formula of Fe2O3 dot XS2 with further production of hydrogen ions. So in this rusting of iron take place in which iron uh, behave as an anode, and the another spot of the iron surface behave as a cathode, in which oxygen combine with atmospheric carbonic acid that is form H positive ions, and the electron that is coming from the anode undergo reduction and form the rust, and the rust is Fe2O3 20 which is brown in color. नो नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ करॉइजन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस आपको पता है बच्चे आज के टाइम में हम मोस्टली जो भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल लेते हैं द आयरन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन मटीरियल तो इसलिए प्राइम इंपॉर्टेंस हो जाती है उसी आयरन को हमें सेव करके रखना ठीक है तो बट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट और क्योंकि अगर जब हम उसको प्रिवेंट करेंगे तो हमारे मेजर एक्सीडेंट जैसे कि ब्रिज कलेप्स कर जाते हैं या कोई की कंपोनेंट फेल कर जाती है क्लोइजिन की वजह से तो वो भी हमारा जो है वो प्रिवेंट प्रिवेंट करेगा तो वन ऑफ़ द सिंपलेस्ट मेथड जो प्रिवेंशन ऑफ आयरन का है कि आप मेटेलिक बॉडी की सरफेस को यानी आयरन की सरफेस को किसी चीज़ से कवर कर दीजिए ताकि आयरन का और एटमोस्फिर गैसेस का कॉन्टैक्ट ही ना हो पाए जिसको हम क्या बोलते हैं या तो उसको कवर पेंट लगा दीजिए या सब केमिकल्स की कोटिंग कर दीजिए जैसे बिस्फिनोल ठीक है नाउ एक और मेथड ये है कि आप उस मेटल के ऊपर आयरन के ऊपर किसी चीज किसी दूसरे मेटल की क्या करवा दीजिए लेयरिंग फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन के ऊपर टिन की लेयर लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम टिनिंग है. जो हम पैपसीज आ, या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल पीते हैं जो वो जो बॉटल होती है डेट इज़ कवर्ड बाय द टिन लेयर या फिर हम आयरन की चीज़ों को किससे कवर कर दें जिंक से दिस इज़ कॉल्ड द गैल्वनाइजेशन ठीक है बट द गैल्वनाइजेशन प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव प्रोसेस है एज कम्पेयर टू टनिंग क्योंकि अगर एक बार अगर जिंक की लेयर पर क्रैक आता है तो देर विल बी नो एनी देर विल बी नो एनी वरी बिकॉज आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन

किसको बचाने के लिए आयरन को बचाने के लिए ठीक है तो यानी अब अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस रिएक्ट करेंगी तो इन एलिमेंट्स के साथ करेगी तो इन एलिमेंट्स पे क्रोजन होगा लेकिन आपका आयरन जो है वो बच जाता है इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं सेक्रिफिशियल मेथड के विच क्रॉट इट से बट सेव द ऑब्जेक्ट हेर यू विल सी दिस मैग्नीशियम आय दिस मैग्नीशियम मैग्नीशियम जनरली यूज फॉर द प्रोटेक्टिंग द अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड्स दिस ट्यूब्स अंडरग्राउंड पाइप्स विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन ठीक है जो हमारा सीवरेज सिस्टम होता है जो पाइप लोहे के पाइप्स जो लगाए जाते हैं उनको हम जो है वो मैग्नीशियम के साथ प्रोटेक्ट uh, करते हैं जिस उस स्पेसिफिकली मेथड को हम क्या बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन ठीक है उसमें क्या करता है कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब आयरन को हम एस कैथोड बना देते हैं और उसको मैग्नीशियम के साथ कॉन्टैक्ट में रखते हैं ठीक है अब आयरन जब कैथोड बन जाएगा तो नेचुरल बात है इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा नहीं लॉस कौन करेगा मैग्नीशियम तो इससे मैग्नीशियम जो है वो बच जाता है किससे आयरन से कोरोइजन होने से या फिर आयरन जो है वो प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को और जो कोरोइजन स्टार्ट होता है वो किसके ऊपर हो जाता है मैग्नीशियम से तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बच्चे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैथड ऑफ क्रॉयजन ओके बाय बाय